हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रहा हूँ फानुक बीएमसी के कंट्रोल पैनल के बारे में। फानुक सिस्टम है दोस्तों, सीरीज है ओआई एमडी, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कंट्रोल पैनल के बारे में। तो वीडियो अंत तक देखें और इसमें दोस्तों देखो स्टार्टिंग सेंट्री की तरह ही सब कुछ कीबोर्ड है, ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक में लेके अपन साइकिल चलाते हैं और प्रोग्राम को सेलेक्ट करके साइकिल चलाते हैं। जिस कंपोनेंट के अनुसार ऑटोमेटिक में साइकिल स्टार्ट होती है, कंपोनेंट बनता है। ये एडिट मोड है, एडिट मोड पे लेके ही अपन नया प्रोग्राम डाल सकते हैं, या उसमें कुछ करेक्शन करना हो तो करेक्शन भी अपन कर सकते हैं एडिट मोड में ही जाके। या बीजी एडिट में काम करते हैं या एडिट मोड पे काम करते हैं, दो ही तरीके हैं प्रोग्राम का एडिट करने के। एडिट मोड में लेके काम करते हैं। इसके बाद दोस्तों एमडीआई मोड है। एमडीआई मोड में अपन छोटे छोटे प्रोग्राम, छोटे छोटे कमांड्स लेके चलाते हैं। जैसे आरपीएम का हो गया, आरपीएम में एस 500 M3 डालूंगा, उसके बाद अपना स्पिंडल चालू हो जाता है इस तरह से। तो ये छोटे छोटे कमांड्स हैं जो अपन एमडीआई मोड में ले सकते हैं। या अपन को होम पोजीशन डालनी हो या कुछ और करना हो, सारे कमांड अपन इसमें ले सकते हैं, ठीक है। और याद देखो तो दिखाता हूँ आपको, जब भी अपन कोई डाटा लिखते हैं तो वो इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने पर ही उस सीआरटी पे जाएगा, कंट्रोल पे जाएगा। और अल्टर से अपन कोई भी वर्ड चेंज करना हो, जैसे यहाँ S1000 करना हो, अपन यहाँ अल्टर की से ही कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट करना हो तो डिलीट का बटन है, डिलीट से अपन ये डिलीट का बटन से कोई भी डाटा डिलीट कर सकते हैं, प्रोग्राम में डिलीट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ डिलीट से होगी। अगर कोई गलती लिखने में गलती हो गई तो उसको अपन क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। कैसे, जैसे मैं 1500 मैंने आरपीएम लिखी, अगर 1200 लिख रहा है तो मैं कैंसिल का बटन दबा के उसको कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये अपने छोटी छोटी की लग रही है जो ये हेल्प के लिए है। हेल्प में कोई भी आप किसी भी तरीके अलार्म डिटेल में जाओ, ऑपरेशन मेथड में जाओ, पैरामीटर टेबल पे जाओ, तो ये हेल्प में डेस्क है, इससे आपको सब पता लग जाएगा कि क्या क्या हेल्प है, ठीक है। ये अपना ऑफसेट का बटन है, उसमें ऑफसेट टूल ऑफसेट जो भी है, वर्क ऑफसेट है, टूल ऑफसेट है, इसके बारे में भी अपन को पता लगता है यहाँ से। ये ऑफसेट है, ये सेटिंग है, ये वर्क ऑफसेट है। ऑफसेट में तो अपन टूल ऑफसेट, वियर और ज्योमेट्री दोनों में ले सकते हैं। और जो कटर कंपनसेशन है वो इसमें ले सकते हैं, डी में, और वियर डी इसमें डाल सकते हैं। इसी तरह सेटिंग डाटा में जाके पैरामीटर राइट एनेबल करना है तो एक नंबर करके तभी अपन पैरामीटर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पंच कोड 1 है, और जब अपन को डाटा इनपुट आउटपुट लेना है इससे कार्ड से, तो अपन को यहाँ 4 नंबर करना पड़ेगा कार्ड के लिए और 17 नंबर करना पड़ता है पेन ड्राइव के लिए, ठीक है। अब इसके आगे भी आप यहाँ मिरर इमेज आपको करनी है, अगर प्रोग्राम को मिरर करना है 180 डिग्री पे, तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड को 1-1 करना पड़ेगा, तो अपना मिरर इमेज ऑन हो जाता है, ठीक है। सेटिंग डाटा में है, और यहाँ पर आप टोटल पार्ट काउंट दे सकते हो, टोटल पार्ट काउंट पता लग जाएगा आपको कितने बन चुके अभी तक, और डिलीट भी कर सकते हो, रिक्वायर्ड है पार्ट काउंट भी आ रहा है। और यहाँ पर पावर ऑन, रन टाइम दिखा रहा है डेली का, और ये कटिंग टाइम इतना दिखाया है, और यहाँ पर टोटल रनिंग आवर आ रहा है ऊपर, जिसकी मैनुफैक्चरिंग से आज तक जो मशीन चल रही है वो, और आज की तारीख भी चेंज कर सकते हो आप तारीख के हिसाब से, टाइम टेबल भी आप कैलेंडर के हिसाब से, अपने घड़ी के हिसाब से सेट कर सकते हो, ये सारे डाटा है। उसके बाद पैरामीटर आ जाते हैं दोस्तों, जो पैरामीटर ऑपरेटिंग से रिलेटेड है वो सारे पैरामीटर यहाँ शो करेंगे। इसके बाद देखो दोस्तों, डायरेक्टरी में आपको सारी जो भी प्रोग्राम है
वो सारे डायरेक्टरी में आपको दिखाई दे जाएगी, जो भी प्रोग्राम आपने डाले हुए हैं सारे, पेज डाउन करते जाओ, अप करते जाओ, तो आपको सारे प्रोग्राम डायरेक्टरी में दिख जाएंगे। तो इस तरह से आप सारे प्रोग्राम भी देख सकते हो आपके डायरेक्टरी में, और कौन कौन से प्रोग्राम डाले हुए हैं, कौन कौन से खाली हैं, या नंबर आप डाल सकते हो। तो 00 से डाल के आप 999 तक प्रोग्राम नंबर ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप प्रोग्राम भी दबा सकते हो जो आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। और जनरली कीबोर्ड दोस्तों ये है जिसको आप अल्फाबेट लिखने में काम आते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू काम आते हैं। और शिफ्ट का बटन है, शिफ्ट की सहायता से आप छुपा हुआ जो बटन है स्मॉल लेटर उनको आप यूज में ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कीबोर्ड पे MDI देख लिया आपने, रिमोट क्या है, रिमोट से जब भी आप उससे चलाते हैं, पेन ड्राइव से चलाते हैं प्रोग्राम को, तो रिमोट काम पे देते हैं। ये सिंगल ब्लॉक के काम आता है, सिंगल ब्लॉक जब भी प्रोग्राम चलाते हैं तो एक एक ब्लॉक को चलाने के लिए सिंगल ब्लॉक को ऑन करना जरूरी है। इस तरह से तो ये ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इस तरह ब्लॉक स्किप, किसी ब्लॉक को नहीं चलाना होता तो ब्लॉक स्किप को काम में लेते हैं, वो ब्लॉक स्किप अपना स्किप कर जाएगा ब्लॉक जिसके आगे ब्लॉक स्किप लगा हुआ है। ये ऑप्शनल स्टॉप है M01 का, सभी मशीनों में होता है M01 का ब्लॉक ऑप्शनल स्टॉप। तो ये हाईलाइट करेंगे तभी ये ब्लॉक स्किप अपना काम करता है। ये अपना टेक है, जब भी अपन हैंडबिल काम करते हैं तो ये एक एक उसमें चलता है इंक्रीमेंटल में। ये रेफरेंस का बटन है दोस्तों, मशीन रेफरेंस करनी हो तो XYZ को, तो ये रेफरेंस हो जाता है। ये जोग बटन है दोस्तों, जोग में अपन क्या करते हैं, मशीन को कंटिन्यूस चलाना हो किसी भी एक्सिस में, इस तरह मैं दबा रहा हूँ एक्स, ये इस तरह से दबा के प्रेस करके रखेंगे तो ये अपनी चलती रहेगी, इस तरह से चलाएंगे तो ये भी चलती रहेगी। तो आप एक्स और जेड, XYZ जो भी एक्सिस सेलेक्ट करना है उस एक्सिस में आप जॉब में मशीन को कंटिन्यू चला सकते हो। तो इसके बाद प्लस माइनस को हम देखना, रैपिड में रैपिड को प्लस और माइनस को दबा के रैपिड वाले बटन को कंटिन्यू दबाएंगे तो मशीन अपनी कंटिन्यू उसमें चलेगी रैपिड में, 100% रैपिड है, जो भी जितनी 24,000-30,000 रैपिड है वो चला सकते हैं। ये स्पिंडल क्लॉक वाइज, स्पिंडल काउंटर क्लॉक वाइज दोनों बटन दे रखे हैं, और ये स्पिंडल स्टॉप का बटन है, इसकी सहायता से आप स्पिंडल स्टॉप और ऑन कर सकते हैं। ये अपना रोटरी स्विच है जो फीड का है, फीड के लिए अपन काम में लेते हैं, 0% से 0 हो जाएगी, फिर इंक्रीमेंट करना है जितना प्रोग्राम में दे रखा है उससे, परसेंटेज 10%, 20%, 100%, 100% पर 100% चलेगी, और 120 पे 20% तक चलेगी। तो यह मेरे पास 120 तक का है रोटरी स्विच, 150 तक का भी रोटरी स्विच आता है, आप जितनी ले सकते हो चला सकते हो चलाओ। इसके बाद स्पिंडल का भी यहाँ पे दे रखा है, स्पिंडल का भी रोटरी स्विच है, परसेंटेज में भी 50%, 60%, 100% इस तरह से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये इमरजेंसी बटन है दोस्तों, इमरजेंसी जब भी कोई आवाज़ आती है या कुछ टूल टूट जाता है, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आप इमरजेंसी बटन यूज कर सकते हो रिलीज करने के लिए। मशीन ऑन करेंगे यहाँ से, मशीन ऑन करके ही अपना इमरजेंसी हटेगा। ये एडिट की है, जब भी अपन प्रोग्राम एडिट करेंगे तो इसको ऑन रखेंगे, ये ऑफ हो जाएगी। तो ज़्यादातर प्रोग्रामर इसको निकाल लेते हैं एडिट की को, ताकि लड़का कोई चेंज नहीं कर सके उसके अंदर, इसलिए ये इधर के। तो मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, आप ध्यान से देखें, प्रोग्राम के बारे में समझें और पूरा नॉलेज लें चैनल के द्वारा। हिंदी टेक्निकल हब पे आपको हर चीज़ मिलेगी, छोटी छोटी वीडियो। ये स्पिंडल है दोस्तों, जिसमें BT40 का होल्डर है, BT40 का टूल होल्डर लगा हुआ है, और ये अपनी मैगजीन है, 20 टूल की मैगजीन आती है मशीन के अंदर, 20 टूल की मैगजीन काफी होती है। ये ATC लगी हुई है अपने पास, टूल चेंज आर्म लगी हुई है, इस टूल चेंज आर्म की सहायता से अपना टूल चेंज होता है। तो दोस्तों
आशा करता हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगेगी। आज के लिए इतना ही काफी, फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।